जी तो सुबह की बजे 7:30 मैं हूँ उधमपुर में। रात में पहुँच गया था लीक, काफ़ी 11:30 बज गए थे। हाँ, कल मैंने बहुत 500 प्लस ड्राइव की किलोमीटर्स की, ऑलमोस्ट 16 आवर्स की ड्राइव थी। थोड़ी सी ड्राइव भी लंबी थी और बाकी ये गूगल ने दो बार, एक बार कश्मीर में गलत रूट पकड़ा दिया, दूसरी बार ये उधमपुर वाला गलत रूट पकड़ा दिया। नई की जगह पुराने रूट से लेके आया और वो सारी रोड बन रही थी, बहुत ख़राब थी, 3 घंटे वेस्ट हुए, तो बहुत टायर्ड थे इसलिए मैं जल्दी सो गया। एक डाटा मैंने ट्रांसफ़र किया था, अभी दूसरा लगा हुआ एक कार्ड का। बस ये जैसे ही डाटा ख़त्म होता है ट्रांसफ़र, मैं यहाँ से निकलूँगा। आज है भारत बंद किसान आंदोलन का, तो भारत बंद का तो पता नहीं लेकिन पंजाब में ज़रूर इसका असर ज़्यादा होगा। तो मैं देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुँचूँगा। धीरे धीरे गाँव के बीच में से निकलना पड़ेगा, अगर वो रास्ता नहीं देंगे बाइक को भी तो स्लो स्लो पहुँचेंगे। आज की जर्नी जो है वो है घर वापसी की, तो आपको पंजाब के हाईवेज अगर दिखे तो, नहीं तो गाँव में से लेता हुआ चलूँगा। तो मिलते हैं आगे जर्नी पर। तो चल पड़े हैं जी उधमपुर से, ये आप देख सकते हैं हम उधमपुर के बाज़ारों में से होते हुए जा रहे हैं। अभी बज गए जी 8:15 हो गए हैं। एक्चुअली रात में भी बारिश हो रही थी और सुबह भी बारिश हो रही थी, तो मैं वेट कर रहा था कि मौसम खुल जाए। अब मौसम खुल गया, धूप निकली है, तो निकल पड़े हैं यहाँ से। अब देखते हैं कहाँ तक का सफ़र होता है, कहाँ पर जाकर किसान आंदोलन वाले रोकते हैं हमें। बस एक बार उधमपुर से निकल जाए और हाईवे पर चढ़ जाएँ तो फिर आगे का सफ़र होगा शुरू। वैसे पठानकोट तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी आज के बंद की, क्योंकि पठानकोट से पंजाब शुरू होता है, वहीं जाके ज़्यादा इसका जो असर होगा वो होगा। उससे पहले तक तो ठीक रहना चाहिए। तो बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम। बाकी आप देख सकते हैं कि छोटा सा शहर है उधमपुर, कुछ ज़्यादा बड़ा खास या शहर नहीं है। होटल वगैरह भी यहाँ पर कम ही हैं। कल रात को जब मैं आया 11:30 सब बंद हो चुका था, होटल वगैरह मार्केट सब कुछ बंद था। बाकी कुछ ज़्यादा बढ़िया शहर नहीं है, आप देख सकते हैं साफ़ सफाई भी नहीं है ज़्यादा शहर में, और रुकने की कुछ ज़्यादा अच्छी ऑप्शन भी नहीं है। ये एक्चुअली रात में मैं काफ़ी लेट हो गया था, मैप ने फिर गलत कर दिया था, 4 लेन से उतार के मुझे इस रोड पे डाल दिया, तो मुझे रुकना पड़ा, नहीं तो मैं शायद आगे भी निकल जाता। लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिली वो मुझे लेनी पड़ी। महंगा था शहर के जगह के हिसाब से, लेकिन होटल बढ़िया था, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसका रेट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा। पर मैं नाइट में एक ही होटल खुला हुआ मिला था, बाकी सब कुछ बंद हो चुका था, तो जो मिला मैंने ले लिया क्योंकि नाइट में स्टे करना था, बारिश का मौसम हो रहा था, तो रुक गया मैं। ये आप देख सकते हैं जी हम शहर से उधमपुर से बाहर आ गए हैं। ये इसकी आउटर रिंग रोड चल रही है, शहर बस ख़त्म होने वाला है सारा। मेन सिटी से तो बाहर आ ही चुके थे, अभी शायद उधमपुर का सिटी का आउटर स्कर्ट्स भी जो हैं ख़त्म होने वाले हैं, तो बढ़ रहे हैं आगे। बाकी पहले सबसे पहले हम जाएंगे अब लखनपुर, फिर आगे कठुआ, उसके बाद पठानकोट। एक्चुअली मैंने यहाँ होटल से भी पूछ लिया और सुबह मैप भी वही दिखा रहा था, मैंने कंफर्म कर लिया है हमें अब जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लखनपुर कठुआ होते हुए सीधा पठानकोट पहुँच जाएंगे। तो बस चल रहे हैं पठानकोट की तरफ, देखते हैं कहाँ पर जाकर बंद का असर है। जो उधमपुर का आउटस्कर्ट्स है जी वो काफ़ी बढ़िया है, खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ। अब ये हिमाचल वाले पहाड़ हैं आप देख सकते हैं। बाकी पठानकोट तक तो अब हमें ऐसे ही खूबसूरत पहाड़ और हरियाली देखने को मिलेगी, इसके बाद पठानकोट के बाद तो आगे सिर्फ हाईवे ही हैं, तो आप बस 6 लेन और 4 लेन पर चलते हुए जाएँगे। बाकी जी सुबह जल्दी निकले हैं तो ज़्यादा अभी कुछ मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, बाकी मैंने 1 स्कूप प्रोटीन और 100 ग्राम पीनट्स लिए हैं, तो चल पड़े हैं वो लेके। सुबह का ब्रेकफास्ट तो हल्का हो ही गया, लेकिन अब जहाँ पर जाके मुझे रोकेंगे किसान आंदोलन का, जहाँ भी बंद होगा वहाँ पर फिर रुक कर वहीं जो भी ढाबा होगा वहीं की लंच कर लेंगे, और अगर नहीं कहीं रोका गया तो फिर मैं पठानकोट चढ़ के फिर मेन हाईवे पर कहीं जाकर लंच करेंगे। ये आप देख सकते हैं सामने खूबसूरत नज़ारे, ये कोई पुराना ब्रिज बना हुआ रेलवे का, और नीचे एक और ब्रिज है जहाँ से हमें बाय रोड जाना है। आप देख सकते हैं नीचे तक दूर तक दिख रहा है, नज़ारे खूबसूरत हैं जी। अभी तो ऊपर एक रेलवे ब्रिज, नीचे व्हीकल्स का रोड ब्रिज, और नीचे बह रहा है जी दरिया। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। लैंडस्लाइड भी हो रखी है सड़कों पर, अभी कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई,
और थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी है। अब इतनी कंस्ट्रक्शन होगी पहाड़ों में तो ये लैंडस्लाइड होना भी स्वाभाविक है। आप देख सकते हैं पूरे उत्तराखंड, आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, पूरे उत्तराखंड, हिमाचल और ये आप जम्मू कश्मीर के पहाड़ भी देख सकते हैं, सब जगह यही हाल है जी। क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं पहाड़ों पर, उन पर लोड बढ़ता जा रहा है, तो ये होना भी निश्चित ही है। बाकी जी मनाली वाला जो हाईवे है लद्दाख जाने वाला, वो रूट बहुत शानदार है। सिर्फ जो मनाली से सरचू के बीच में थोड़ा पैच ख़राब आता है, काफ़ी ख़राब है, पैच से डिस्टेंस तो कम है लेकिन बहुत ख़राब है, बस वही है। बाकी सारा हाईवे लद्दाख घूमना बहुत शानदार, लेकिन ये जो हाईवे है पुराना वाला है, पर नया तो मैंने देखा नहीं क्योंकि मैप ने गलत कर दिया, लेकिन ये जो पुरानी रोड से कल मैं निकल के आया हूँ कश्मीर से यहाँ तक उधमपुर तक और इसके आगे, ये मैंने मेजर किया था, उसके ज़्यादा भी हो सकता है, और आलमोस्ट 40 किलोमीटर्स का जो रूट था वो सारी ट्रकों की लाइन थी। ऐसे लग रहा जैसे लाखों ट्रक एक ही बार में सड़क पर आ गए हैं, वो 40 किलोमीटर सारे ट्रकों की ट्रक थे। और मुझे वहाँ पर काफ़ी देर बीच में ट्रकों के कंटिन्यूसली पोल्यूशन में खड़े होना पड़ा, निकलना पड़ा। नया हाईवे मैंने देखा नहीं क्योंकि मैप ने मुझे गलत कर दिया, हो सकता नया हाईवे ठीक हो लेकिन वो भी आपको श्रीनगर लेके जाएगा सीधा। तो अगर आप इस रूट से आना चाहें तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अच्छे सही टाइम पर आएँ और सीधा नए हाईवे से सोनमर्ग चले जाएँ, सोनमर्ग फिर थोड़ा बढ़िया, और वहाँ से सीधा फिर अगले दिन ले पहुँच जाएँ। कठुआ तक तो मुझे लगता है जी ऐसे ही ये रोड्स ही जाएंगी, छोटे पुरानी रोड्स जो बनी हुई हैं वही जाएंगी। उसके बाद फिर आगे पठानकोट पे तो 6 लेन हाईवे शुरू हो जाता है जो मैंने देखा, वो तब तक तो ऐसे ही रोड्स ही सिंगल लेन रोड्स ही जाएंगी, और वहीं मुझे लग रहा है पठानकोट के मेन हाईवे से पहले ही कहीं अगर बंद हुआ तो वहीं होगा। देखते हैं भाई आगे चल तो पड़ी है। ये आप देख सकते हैं जी ट्रकों की लाइन लगी हुई है, ये अभी क्योंकि अब डे हो गया तो ये अब नाइट में ही खुलेगा 8 और 9 के राउंड, और ये सारे आप देख सकते हैं कितना लंबा लाइन लगी हुई है, ये सारे ट्रक फिर एक साथ ही रात को उसी हाईवे पे, पुराने जम्मू कश्मीर वाले हाईवे पे चल पड़ेंगे जिनसे कल मैं 4 घंटे जूझता हुआ आया हूँ। तो आप देख सकते हैं, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं रात को उस पुरानी सिंगल लेन रोड पर जब इतने सारे हंड्रेड ऑफ ट्रक्स आ जाएंगे तो क्या हाल होगा। तो इसलिए आप अवॉइड कीजिए जी, अगर आ रहे हैं तो दिन में जल्दी आइए और सीधा मेन जो न्यू हाईवे बना है जम्मू कश्मीर वाला NH 44, उस पर ही जाइए। आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है कठुआ 37, लखनपुर 45 और जलंधर 170, दिल्ली भी लिखा है 525। हमें दिल्ली वाले उसी हाईवे पर जाना है, तो भी पहले कठुआ आएगा जी, लखनपुर नहीं, पहले कठुआ आएगा, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर के बाद लखनपुर, और उसके फिर 10 किलोमीटर के बाद है पठानकोट जो है यहाँ से अभी 62। ये आप देख सकते हैं जी मेन शहर कठुआ का, काफ़ी बड़ा शहर बन चुका है जी क्योंकि हाईवे निकल रहा है बीच में से। ऐसे इतना बड़ा शहर नहीं होता था, कस्बा था पहले जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में, लेकिन अब तो काफ़ी बड़ा शहर बन चुका है। आप देख सकते हैं हाईवे के दोनों तरफ बाज़ार हैं, बड़े बड़े शोरूम्स बने हुए हैं। तो ये है जी कठुआ का मेन सिटी, हम निकल रहे हैं कठुआ में से। ये लखनपुर रह गया जी 2 किलोमीटर्स, पठानकोट 18 और जलंधर है 131। हमें जलंधर के ही आउटर से निकला है जी, जलंधर का जो मेन शहर के आउटर से रिंग रोड निकल रही है वहाँ से ही सीधा हम निकल जाएंगे लुधियाना के लिए, और फिर लुधियाना से ही रोड जो है आउटर से निकलती हुई जाती है दिल्ली हाईवे जो है वो ही जाएगा चंडीगढ़ मोहाली के लिए। तो ये लखनपुर का सिटी शुरू हो गया जी, 2 किलोमीटर लिखा था और वहाँ से हम आ गए हैं 2 किलोमीटर राउंड। ये हाईवे के दोनों तरफ बाज़ार बना हुआ है, ये है सामने टोल आ गया एक। टाइम हुआ जी 10:50 और 18 किलोमीटर था पठानकोट, तो 11:15-11:30 तक मैं पठानकोट पहुंच जाऊंगा उम्मीद है। तो अगर कुछ ना हुआ तो फिर तो आगे हम निकल जाएंगे और पठानकोट तक ही है, उसके आगे तो फिर सारा जाना बजाना हाईवे है, तो उसके आगे तो फिर ठीक स्पीड पे चलते हुए जाएंगे हम। आप देख सकते हैं जी एक और दरिया आ गया, शायद तायवी नदी या इसको दरिया भी कहते हैं, और देख सकते हैं कितना वर्थ इसकी कितनी ज़्यादा और कितना लंबा पुल बना हुआ है इसके ऊपर। ये ब्रिज आप देख ही सकते हैं, पुराने स्टाइल के ब्रिज बने हुए हैं, कितने लंबे लंबे, कितनी वर्थ है आप नदी की देख सकते हैं।
ये सामने कुछ लग रहा है जी, शायद बंद ही हो सकता है इतना, वरना ट्रैफिक जाम देखते हैं। बिल्कुल जी, आपके सामने है ये जो भारत बंद है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि हम उसके बॉर्डर पर आ गए हैं पठानकोट और पंजाब और जम्मू के। ये जी किसान आंदोलन वालों ने जाम लगा रखा है बंद, और आज यहाँ पर रोक दिया पठानकोट एंट्री पे। एक घंटा हो गया मुझे, 4 बजे का कह रहे हैं खोलने का, तो बैठे हैं अब यहाँ पर 5 घंटे। तो देख सकते हैं सिर्फ आर्मी के ट्रक की मूवमेंट है, बाकी सब यहाँ पर रोका हुआ पीछे। अब 4 बजे चलेंगे यहाँ से, फिर देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। तो जी ये निकले हैं हम, वो पीछे धरने से निकल के आगे आ गए हैं, पठानकोट के एंट्री कर चुके हैं हम। बस अब आगे ना रुके, अब आगे जाके देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं। एक्चुअली आर्मी की मूवमेंट थी और हम आर्मी वालों के साथ हम भी निकले हैं, तो वहाँ से तो निकले हैं। अब देखते हैं आगे बढ़ रहे हैं कहाँ तक जा पाते हैं, और आगे अगर कोई धरना होता है। बाकी पठानकोट का मेन सिटी आने वाला है, ये पठानकोट के आउटर पर ये धरना लगा हुआ था, वहाँ पर रोका था, वहाँ से तो निकल चुके हैं। तो हम पठानकोट पर एंट्री कर गए हैं। ये बोर्ड लिखा हुआ जी जलंधर 128, तो हम बढ़ रहे हैं जलंधर की तरफ, आगे जा रहे हैं। तो जी ये हम मुड़ चुके हैं जलंधर वाली रोड पर, लुधियाना यहाँ से 170 किलोमीटर्स, तो ऑलमोस्ट लुधियाना पहुँचने में मुझे लगेंगे 3 घंटे। तो जी अभी टाइम हुआ है 2:30 हो चुके हैं, तो यहाँ से लुधियाना पहुँचने में मुझे 5:30 हो जाएंगे। तो उससे आगे 100 किलोमीटर फिर है चंडीगढ़ मोहाली, तो 1.5 से 2 घंटे मुझे और लगेंगे। होपफुली 7:30-8 बजे तक मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। 4 बजे तक तो भी जाम का जो बंद है उसका टाइमिंग 4 बजे तक, तो वो भी खुल जाएगा 4 बजे के बाद। 4 बजे तक चांद पहुंचा जाएगा, पहुंचेंगे, उसके बाद तो फिर नॉन स्टॉप हाईवे पर चलते ही जाएंगे। तो देखते हैं, होपफुली मैं 8 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। आप देख सकते हैं जी, आप मज़ा ले सकते हैं हाईवे का। आप देख सकते हैं 4 लेन हो चुका है वैसे तो, जलंधर से तो फिर 6 लेन है। अमृतसर वाला जो रोड है वो भी 6 लेन है। ये अभी पठानकोट से जलंधर तक का जो है वो 4 लेन है, उसके बाद फिर 6 लेन होता है आगे। जलंधर रह गया 112, तो ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे ही लगने चाहिए जलंधर पहुंचने में, क्योंकि 60-65 की स्पीड पर मैं चल ही रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं चला रहा हूँ। 60-65 की स्पीड है, तो 2 घंटे लगने चाहिए मुझे जलंधर पहुँचने में, और वहाँ से 60-65 आगे है लुधियाना। 2 से 2 घंटे जलंधर और 1 घंटा आगे, 3 घंटे में मैं लुधियाना पहुँच जाऊँगा। तो बढ़ रहे हैं जी आगे। अब जो मेन शहर आएगा जी इसके बाद वो आएगा मुकेरियाँ। बचपन में आ चुका हूँ, वहाँ छोटा सा शहर था लेकिन अब तो काफ़ी बड़ा सिटी हो गया होगा। पहले वो आएगा मुकेरियाँ, उसको पार करेंगे, उसके बाद है जलंधर। जी सिटी मुकेरियाँ का फ्लाईओवर है, और से निकलने का लेकिन अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं आगे। मुझे बंद लग रहा है, अगर जाने देते हैं निकलने देते कि नहीं, अगर निकलने देंगे तो बढ़िया, नहीं तो फिर वेट करनी पड़ेगी 4 बजे तक। यहाँ पर आके फिर बंद लग गया जी, शायद नहीं जाने देंगे। हम चल पड़े हैं फिर से, मैं 11:30 पहुँच गया था और 11:30 से 4 बजे तक फंसा रहा हूँ। अब यहाँ से निकले हैं जी, बंद खुल चुके हैं, और जलंधर रह गए यहाँ से 100 किलोमीटर, तो अब जा रहे हैं जलंधर की तरफ। तो होपफुली 1.5 घंटे में जलंधर पहुँच जाएंगे। बाकी जी 4-4.5 घंटे मेरे बर्बाद हुए हैं, ऑलमोस्ट 4.5 घंटे। तो अब देखते हैं नाइट में कितने बजे पहुँचते हैं घर। तो पढ़ रहे हैं जी 4:30 होने वाले हैं, यहाँ से भी जलंधर 100 और उसके आगे 60 लुधियाना और उसके आगे 100 मोहाली, तो 250 किलोमीटर ऑलमोस्ट मुझे कवर करने हैं अभी, और 4:30 हो चुके हैं। तो वही है जी, मुझे लग रहा है 9-9:30 बज जाएंगे घर पहुँचते हुए। बाकी जा तो रही हैं जी, बाकी आप ये हाईवे देख सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखाना था कि आप अगर आते हैं तो बढ़िया हाईवे है जी पठानकोट से सारा कश्मीर वाला, अगर नया मुझे पता नहीं, अगर वो भी हो तो पूरा वहाँ से यहाँ तक आगे पूरा दिल्ली तक हाईवे बिल्कुल 6 लेन और 4 लेन, बढ़िया स्मूथ चलती हैं बाइक्स, आप देख सकते हैं। और बाकी ऐसे ही मैं भी जाता रहा, कहीं बीच में ना रुकने की जरूरत पड़ी, तो मैं भी 4:30-5 घंटे में मोहाली पहुँच जाऊँगा। निकल रहे हैं मुकेरियाँ सिटी में से, मेन सिटी में से,
पहले तो जब मैं आया हूँ बचपन में काफ़ी छोटा सा शहर होता था, लेकिन आप देख सकते हैं अब काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है बाकी शहरों की तरह। ये भी एक बड़ा सिटी बन गया है, आप देख सकते हैं हाईवे निकल रहा है और दोनों तरफ मार्केट बनी हुई है हाईवे की। यहाँ से जलंधर रह गया 70, तो ऑलमोस्ट मैं एक घंटे में पहुँच जाऊँगा जलंधर। बाकी आप देख ही सकते हैं इतना ट्रैफिक, तो लद्दाख से आके आपको बड़ा अजीब सा लगता है जी ये इतना भीड़ और ट्रैफिक देख के। आप अगर 11-12 दिन आपने लद्दाख जैसे आइसोलेट प्लेस में बिताए हों और एकदम आप यहाँ आए तो बहुत अजीब सा माहौल लगता है। तो बाकी जा रहे हैं जी, अब आना तो था ही, अब कितनी देर रह सकते हैं। जलंधर रह गया जी 57 और लुधियाना 114, तो वही आधे पौने घंटे में मैं जलंधर पहुँच जाऊँगा और 1.5 घंटे में लुधियाना। बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर। आ गए हैं जी जलंधर के एंट्री करके हैं और हम आउटर से ही बाहर से जलंधर रिंग रोड से निकल जाएंगे लुधियाना के लिए। बाकी आपने जलंधर का नाम सुना ही होगा, एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है पंजाब का, जैसे कि लुधियाना, बठिंडा, पटियाला और जलंधर। बाकी अभी जलंधर और लुधियाना के बीच में भी एक और बड़ा इंडस्ट्रियल हब आएगा जो है फगवाड़ा, तो आपको वो भी दिखाएंगे। ये जलंधर को पार करके हम आ गए हैं जी मेन हाईवे पे जो जा रहा है लुधियाना की तरफ। तो हम जलंधर सिटी में नहीं घुसे थे, वो रिंग रोड थी जलंधर के आउटर से होते हुए सीधा बाहर हाईवे 44 लेकर आ गया हमें सब दिल्ली वाली हाईवे के ऊपर। तो ये अब जाएगा सीधा लुधियाना और फिर दिल्ली की तरफ। कि आप देख सकते हैं जी अब 6 लेन शुरू हो चुका है जलंधर जैसे ही हमने पार की है। तो अब ये सारा दिल्ली तक 6 लेन हाईवे ही है जो जलंधर जम्मू से आता है, जलंधर और लुधियाना और दिल्ली कनेक्ट करता है ये सारा वही रोड। ये आ गया जी फगवाड़ा, ये भी पंजाब के बड़े इंडस्ट्रियल शहरों में से एक है। फगवाड़ा जो है वो अपनी मिल्स और स्पेयर पार्ट्स की इंडस्ट्री के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर बहुत सी मिल्स और स्पेयर पार्ट्स की बड़ी इंडस्ट्री है। बाकी ये फ्लाई ओवर है जी, ये ऊपर से निकल जाएगा और शहर रह जाएगा सिटी नीचे। तो हम फगवाड़ा से होते हुए निकल रहे हैं बाहर और सीधा पहुँच जाएंगे लुधियाना। हम आ गए हैं जी लुधियाना की एंट्री पर। ये जो टोल बना हुआ है जी लुधियाना जलंधर और लुधियाना हाईवे के ऊपर है, लुधियाना की एंट्री पर बना हुआ है। तो हम अब बढ़ रहे हैं लुधियाना सिटी की तरफ। ये बोर्ड लगा हुआ जिस पर आप देख सकते हैं लिखा है फिरोजपुर 125, जो है मेरा होम टाउन, पर अभी मैं रहता हूँ मोहाली में जो भी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है। तो मेरे लिए दोनों ही डिस्टेंस सेम है यहाँ से, पर अभी मैं जा रहा हूँ मोहाली की तरफ। अगर मुझे अपने होम टाउन की तरफ जाना होता तो मैं अमृतसर का रूट लेता क्योंकि वो सीधा मुझे जल्दी पहुँचाता। लेकिन अब बढ़ रहे हैं जी हम लुधियाना को पार करते हुए जाएंगे दिल्ली हाईवे पर मोहाली की तरफ। बाकी जी रात हो चुकी है तो आपको पता नहीं कितना दिख रहा होगा, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी कैप्चर कर सके कैमरा आपको दिखा दूँ। बाकी रात के बज गए हैं 7:30 और अभी मुझे यहाँ से 1.5-2 घंटे और लगेंगे मोहाली पहुँचने में। तो अभी आप यही देख लीजिए जी, मैं फिर अब करूँगा यहाँ से कैमरे को ऑफ कर दूँगा और फिर पहुँच के आपको जर्नी एंड करने पे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। तो जी ये फाइनली हम पहुँच गए अपने घर, फ्लैट में मैंने गाड़ी लगा दी है इस तरीके, और ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स के बाद और 11 डेज हमारी जर्नी होती है ख़त्म। मैं पहुंच गया अपने घर मोहाली में, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय।